Hello friends, how are you doing? I'm TS Sudhir and welcome to Study with Sudhir, your digital classroom. Now today I'm coming to you with something very, very important. Today I'm going to tell you the trick to score 20 out of the 80 marks paper in the English language paper. In fact, many of you have been asking me to do and give tips on how to tackle the English language, your first paper in the ICSE Class 10 board. In fact, I am carrying the 2019 ka paper just for reference on how exactly to go about it. This paper was actually a little tough. Not many students scored very high marks last year in the English language paper. Usme sabse pehla prashn rehta hai composition ka. Aur maine kai sare teachers se baat ki. Unka kehna tha ki sabse jyada kathinai vidyarthiyon ko ye composition likhne mein aati hai. Kyunki agar aap angrezi mein itne acche nahi hain to aapko ek tarah se hindi mein ya telugu mein या मलयालम में या बंगाली में या तमिल में सोच के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कभी कभी ग्रामर को लेके लोचा भी हो जाता है. ओके, सो टुडे आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली यू शुड गो अबाउट टैकलिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज ऑफ 20 मार्क्स. सो ये 20 मार्क कैन मेक यू, इट कैन ऑल्सो ब्रेक योर पेपर. ओके, और अगर आपका पहला ही पेपर कुछ डामाडोल हो गया तो बाकी 9 पेपर पर भी उसका काफी नेगेटिव असर पड़ सकता है. तो माय अटेम्प्ट इज टू इंश्योर दैट आपके मैं ग्रामर के सभी पोर्शंस पे डिटेल नजर डालूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये 20 मार्क का जो बड़ा सा छोटा बीम है उसको एक बार ही पहले टैकल कर देते हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर माई लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मोर comfortable in Hindi. In fact, one of them, I forget the name, one of them wrote to me this morning ki aap isko please kijiye ki meri English grammar weak hai. So, khas taur pe, for you, my dear friend, let's start with composition. Now, I'm saying that I am going to reveal the tips on how to score 20 on 20. Yes, it is possible. You can actually score 20 on 20 if you write a good composition. In the worst case scenario, you can definitely score a 16 or a 17. Aur agar aapka grammar, letter writing, precy, comprehension wagara theek ho, to aapke to 77 on 80 aa jayenge, 97 on 100. Wow, aisa karenge. Okay, so this is obviously very important from the examination point of view. There are three factors that I would want you to look at very, very carefully. Pehla point, boring composition kabhi mat likhi. Hold the examiner's interest. Jab aap likh rahe hain ya aap soch rahe hain ki main kya likhunga, tab aap sochiye kya isko padhkar examiner khush hoga? Will he feel happy reading this? Will he feel interested in reading this? तो आपको नॉट जस्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. टिप नंबर वन. टिप नंबर टू, ओरिजिनैलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओरिजिनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं एक उदाहरण दूंगा ये 2019 के प्रश्न पेपर से जस्ट 5 मिनट में कि आपको जो लिखना है दैट हैज टू बी योर ओरिजिनल क्रिएशन. इधर उधर से कॉपी की हुई स्टोरी कहानी कभी मत लिखिएगा. ओके, दैट इज टिप नंबर टू, ये बिल्कुल याद रखिएगा. टिप नंबर थ्री, यू शुड हैव एनफ मैटर टू राइट. क्योंकि 20 मार्क स्कोर करने हैं मेरे भाई, 20 मार्क अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको लिखना भी तो एटलीस्ट दो पेज, दो ढाई पेज तो लिखने ही पड़ेंगे ना. तो आपको एक तरह से यू शुड हैव एनफ मीट टू राइट दैट मच. ये नहीं कि आधा पेज एक पेज लिख के बोल दिया कि अरे और क्या पॉइंट लिखूं और आप इधर उधर देखने लग जाएं. नो, यू शुड चूज ए टॉपिक आउट ऑफ द 5 टॉपिक्स जिसमें आपको लगे कि आपको लिखने के लिए काफी सारा मसाला है, काफी सारा मटेरियल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये तीन चीजें आप राइट एट द बिगनिंग याद रखिए. ओके, नाउ आई विल कम टू, ये तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद मैं आपके लिए 6 टिप्स देता हूं, इसको भी आप ध्यान में रखिए. अभी के अभी आज हम दिसंबर में बात कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 दिसंबर को. तो आप 26 दिसंबर को या जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप एक बात का निर्णय कर लें, आप एक बात को डिसाइड कर लें, मे बी इन कंसल्टेशन विद योर पेरेंट्स, मे बी इन कंसल्टेशन विद योर टीचर्स, कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं. आर यू द इमेजिनेटिव टाइप, कि आपकी इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है, कि मैं ये भी सोच सकता हूँ, ऐसी कहानियाँ बना सकता हूँ, यू नो, कि एक तरह से इमेजिनेशन बहुत ही विविड इमेजिनेशन हो. ओके, दैट इज वन काइंड ऑफ स्टूडेंट. द
The other kind of student is someone who is able to describe well. Okay, someone who is able to ek flower pot ko dekha ki usko language skills us vidyarthi ki itni achhi ho that he is able to describe the flower and the garden in a variety of ways using very nice language. Dusra vidyarthi is type ka ho sakta hai. Teesra vidyarthi, the third category of students can be the argumentative type. Ki har cheez mein behas kare. कि मैं ये सोचता हूं कि इन कारणों की वजह से ये काम नहीं हो सकता, इन कारणों की वजह से ये काम हो सकता है, इन कारणों की वजह से मुझे लगता है कि दिस इज अ बैड आइडिया, इन कारणों की वजह से मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया. सो इफ यू आर द आर्गुमेंटेटिव टाइप देन यू शुड गो फॉर द फॉर एंड अगेंस्ट वाला प्रश्न. सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनैलिटी टाइप यू शुड एक्चुअली डिसाइड विच कॉम्पोजिशन यू शुड अटेम्प्ट इन दिस इन दैट एग्जामिनेशन पेपर आउट ऑफ द फाइव चॉइसेस. सो समझे, सो यू नीड टू नो योर सेल्फ इन ऑर्डर टू बी एबल टू अटेम्प्ट वट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर. फॉर इंस्टेंस माई डॉटर इज मोर द डिस्क्रिप्टिव टाइप. So she actually attempted the question relating to the description, right? So this kind of an evaluation aapko karna zaruri hai and it will definitely help you. Second point we come, jo 15 minute ka jo aapko time milta hai examination paper se pehle hi. Two things here, this is the first exam, to aapko waise bhi kaafi tension hoga, lekin जो 15 मिनट जो आपको मिलते हैं उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल कीजिए. उस 15 मिनट में से एटलीस्ट 6 से 7 मिनट आप इस बात पर लगाइए कि आप ध्यान से देखें कि कॉम्पोजिशन आप कौन सा अटेम्प्ट करेंगे और उसमें कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे. ओके, तो इस बात को आप पूरी तरह से एक तरह से वर्क इट आउट वेरी क्लियरली इन योर माइंड दैट दिस विल बी माई कॉम्पोजिशन, दीज आर द 6-7 पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू मेक इन दैट. और एटलीस्ट 6 से 7 मिनट उन 15 मिनट में से आप सिर्फ कॉम्पोजिशन को डिसाइड करने में लगाइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू नॉट मेस अप विद दोस 15 मिनट्स दैट यू गेट विद द पेपर, क्वेश्चन पेपर बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एट 11 o'clock. सो 10:45 टू 11 AM का टाइम इज वेरी वेरी क्रिटिकल. ओके, बिकॉज अगर आप गलत चॉइस कर लेते हैं और लिखने के टाइम पे सोचते हैं और गलत चॉइस ले लेते हैं और आप स्ट्राइक आउट करते हैं, जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ इंप्रेशन इट विल पुट ऑन द एग्जामिनर. बिकॉज एग्जामिनर देखेगा ओ इसने पहला ये चॉइस अटेम्प्ट सोचा है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने पूरा स्ट्राइक आउट कर दिया, फिर ये दूसरा चॉइस डी पे आ गया है और इसने ऐसा कुछ लिखा है, इट डजंट गिव अ गुड इंप्रेशन. तो ऐसे गलती कभी मत कीजिए. चूज वन एंड गो फॉर इट विद अ वेरी क्लियर माइंड. ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टिप फॉर द कॉम्पोजिशन. Third, when you will attempt the composition is also very important and my tip to you is that attempt it right at the end. Agar aap pehle se kar denge aur aapko time allot karna chahiye at least and maximum in fact 25 minutes. 25 minutes se and a buffer of 5 minutes at the best, which means aapko baki ka prashn, aap baki ka paper 60 mark ka paper attempt karne ke liye aapke paas 90 minute hai. आधा घंटा मैक्सिमम आप कॉम्पोजिशन पे लगाइए एंड यू कीप इट टुवर्ड्स द एंड, विच मींस 12:30 से 1 बजे तक. अगर आप 12:20, 12:25 तक शुरू कर देते हैं तो दैट गिव्स यू इवन मोर टाइम. बट डोंट कीप डू इट राइट एट द बिगनिंग, बिकॉज काफी विद्यार्थी गलती क्या करते हैं, शुरू में कर देते हैं या दूसरा प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और उसमें हाफ एन आवर से ज्यादा 45 मिनट लगाते हैं, देन आपका दूसरा जो प्रश्न लिखने होते हैं, लेटर राइटिंग हो या नोटिस हो, ईमेल हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, प्रेसी हो, उसमें आपको कम टाइम मिलता है. तो ऐसी गलती मत कीजिए, बाकी सब खत्म करके आप कॉम्पोजिशन के लिए आधा घंटा तो क्लियरली रखिए सो दैट यू आर एबल टू राइट इट क्लियरली, बट यू शुड हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द पॉइंट्स बिफोर हैंड. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट व्हेन यू शुड अटेम्प्ट द कॉम्पोजिशन. देन इन द अभी का जो टाइम है आपके पास, अभी दिसंबर तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, जनवरी का महीना हो और फरवरी का जो महीना हो, उसमें आप दो चीजें जरूर कीजिए. एक तो ये कि आप थोड़े टॉपिक्स को प्रैक्टिस कीजिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो पिछले 10 साल में जो टॉपिक्स आए हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए. अगर पूरा नहीं लिखेंगे, कुछ पूरा लिख के अपने टीचर्स को दिखाइए या कुछ लिख के एटलीस्ट पॉइंट फॉर्म तो लिखिए कि यू नो दिस विल बी माय 6-7 पॉइंट्स दैट आई विल राइट एज पार्ट ऑफ दिस कॉम्पोजिशन, बिकॉज दैट विल काइंड ऑफ हेल्प यू डिसाइड कि आप किस तरह के कॉम्पोजिशन अच्छे कर पाते हैं. और कुछ सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगे एंड इफ यू आर लकी वन ऑफ देम कम्स, ये तो पॉट ऑफ गोल्ड स्ट्राइक होने वाली बात हो गई. सो इससे आपको अपने थॉट्स को फ्रेम करने की एक तरह से उसका अभ्यास हो जाएगा. ये पांचवा टिप. छठा टिप, प्लीज रीड. अगर आपको रीडिंग हैबिट नहीं है तो एटलीस्ट अगले 2 महीने में प्लीज थोड़ा रीडिंग कीजिए. एटलीस्ट मॉर्निंग में जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है, हिंदू आता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो, पायनियर आता हो, जहां पर भी रहते हो, प्लीज रीड द पेपर्स अगेन. इट विल एंड फॉर स्टूडेंट्स हु आर नॉट
habituated to speaking in English, aapko madad milegi in order to be able to form sentences without making any grammatical and spelling mistakes. Meri vinti hai aapse, aap ye zarur kijiye, it will really help you. Okay, now let's look at the five different types of compositions that are asked. Okay, pehla to ho gaya picture composition, jo ki normally last one aata hai. Last year, this was the picture composition which was asked of some school children buying something, some kind of ye kirana shop ki tarah hai, wahan se kuch bache khareed rahe hain. I can probably bring it closer to you for you to see this more clearly. Okay, to usme aapse pucha gaya hai ki write a story or a description or an account of what it suggests to you. Your composition may be about the subject of the picture and you may take suggestions from it. However, there must be a clear connection between the picture and your composition. Okay, now isme aapko ek story likhni hai composition ke around. Now isko dekh ke there can actually be two or three different interpretations. Ab wo kya khareed rahe hain, it's not very clear. So my one interpretation could be that the children are buying something which is not harmful to their health. Dusra ye ki junk food khareed rahe hain, that can be another interpretation. Then it could be about children's safety, ki all these students are all coming out and there is nobody to look after them. So there can be different interpretations, you know, different students can interpret it differently. My personal suggestion to you is that, and your teachers may give you a different opinion, I don't know, but my suggestion to you is that not to attempt a picture composition, because isme hota kya hai ki aapke ek interpretation hogi aur ho sakta hai ki examiner ki aur ICSE board ki interpretation bilkul usse alag ho. To ho sakta hai agar galat ho gaya to 20 mark ke 20 mark chale jayenge. So picture composition ko attempt karna is a little risky is what I feel. So my suggestion to you would be, do not attempt the picture composition. Ab baki rahe gaye char. Dusra aata hai original short story. Okay, this is an interesting story, especially among for those students who are imaginative in nature. Ab pichle saal kya prashna aaya tha? Write an original short story in which two children and their grandfather are the main characters. अब इसमें लास्ट ईयर तो कुछ स्टूडेंट्स का तो गोविंदा गोविंदा हो गया. ये ऐसे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने ओल्ड कैस्पर, आफ्टर ब्लेनहिम का जो पोएम है, आपको याद होगा आफ्टर ब्लेनहिम में जो पोएम में ओल्ड कैस्पर और उसके जो दो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोता और पोती, उनकी कहानी पूरी लिख बैठी. अरे बाबा, सीधा लिखा है ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी. ओरिजिनल का मतलब होता है तुम्हारी स्टोरी. तुमने तो आफ्टर ब्लेनहिम की पूरी कहानी बैठ कर लिख दी. उनको मिले 20 में से 0. ट्रेजडी हो गई. तो ऐसी गलती आप कभी भी मत कीजिए. इट इज देयर आस्किंग यू ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी और ओरिजिनल को तो बोल्ड लेटर्स में लिखा है. उसके बावजूद पिछले साल कई सारे बच्चों ने यह गलती की. तो आपको ओरिजिनल स्टोरी लिखनी है, अपनी कहानी लिखनी है, आपके दिमाग में जो आई कहानी वो लिखनी है, स्पेशली इफ यू आर एन इमेजिनेटिव टाइप. दूसरी बात, इसमें एक और टिप मैं आपको दे दूं, राइट एज अ चाइल्ड, लाइक यू आर ए 15-year-old और ए 16-year-old. आप एडल्ट की तरह, आप एक 50 साल के या 40 साल के या 20 साल के या 25 साल के व्यक्ति की तरह मत लिखिए. यू राइट एज व्हाट योर एज इज, 14, 15, 16. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. देन द थर्ड थिंग इट्स कम्स अबाउट फॉर और अगेंस्ट. जो मैंने बोला, जो लोग थोड़े आर्ग्यूमेंटेड, बहस करने वाले टाइप के विद्यार्थी रहते हैं. नाउ फॉर और अगेंस्ट में आपको एटलीस्ट 5 या 6 क्लियर पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए. पिछले साल आया था प्रश्न, क्लोज सर्किट टीवी (CCTV) मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एवरी क्लासरूम, गिव योर व्यूज इधर फॉर और अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट. अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 5-6 पॉइंट लिख दें कि CCTV में, अगर आप फॉर के लिए करें, CCTV से ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, और आखिर में समरी में लिख दें कि हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें ये डिसएडवांटेजेस हैं, इस तरह के नुक्स हैं, इस तरह के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बावजूद मुझे लगता है कि इट इज ओके. नो, यू इफ यू आर आर्ग्यूइंग फॉर, स्टे फॉर. आप थोड़े से पॉइंट्स अगेंस्ट के मत लिखिए. इफ यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, आप फॉर के पॉइंट्स बिल्कुल मत लिखिए. यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस इज माय व्यू पॉइंट एंड आई स्टिक टू इट, एंड दीज आर द 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स व्हिच आई बिलीव आई से दैट आई एम आर्ग्यूइंग फॉर और अगेंस्ट ए पर्टिकुलर टॉपिक. सो द क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, पहले 15 मिनट, 10:45 to 11 o'clock, यूटिलाइज दैट टाइम इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट योर पॉइंट्स पहले से, ताकि आपको जब लिखने का टाइम हो तो आप धड़ाक से लिखना शुरू कर दें. उस टाइम पे बैठ के सोचे नहीं यार अभी 4 पॉइंट ही हुए हैं, 1-2 पॉइंट और मिल जाए. नो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट. इसमें भी अगर आप कुछ टॉपिक्स पे अभ्यास कर सकें तो
तो आपको मदद मिलेगी और एटलीस्ट एक तरह का एक एक्सरसाइज हो जाएगा कि आप किस तरह से उस एक हर सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं. ओके, एक सर्टन सेट सब्जेक्ट्स आते हैं, सीसीटीवीज वगैरह, दे आर ऑल लिंक टू स्कूल एजुकेशन, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन, सेफ्टी ऑफ वुमेन, एवरीथिंग. सो यू नो यू चूज ए लिटिल, और इसमें जनरली सोशली रिलेवेंट टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, तो आप उस तरह के थोड़े सोशली रिलेवेंट टॉपिक्स को भी अभ्यास कर सकते हैं, पिछले 10 साल के बोर्ड पेपर्स पर भी नजर डाल सकते हैं. The other this thing is of the personal account. Last time was your class had to conduct a morning assembly, write an account of how you prepared for it, what your role was and what you gained from the experience. इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़िए, because इसमें 4 different questions पूछे हैं. Write an account of how you prepared for it, what your role was and what you gained from the experience. तो एक तो general ये पूछना है और उसमें 3 sub questions पूछे हैं. तो आपको ये सभी 3 जो प्रश्न पूछे गए हैं, यू हैव टू डिवोट इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर टू ऑल द 3 पार्ट्स. ऐसा नहीं हो सकता है कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर इट में आप पूरे रामायण लिख दें और बाकी 2 को 2 सेंटेंस में डिसमिस कर दें. ऐसा कभी मत कीजिए. ईच पार्ट हैज टू बी इक्वल, मोर ऑर लेस इक्वल एंड इक्वली फ्लेश्ड आउट इन डिटेल ऑल द 3 पार्ट्स. सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पांचवा, द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो मैंने बोला द डिस्क्रिप्टिव टाइप, एंड दिस व्हाट माय डॉटर हैड अटेम्प्टेड. समर्स आर बिकमिंग हॉटर विद ईच पासिंग ईयर, राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सच वेरी हॉट डे, व्हाट डिड यू सी एंड हियर एज यू वॉक्ड आउटसाइड, हाउ आर द बर्ड्स एंड एनिमल्स अफेक्टेड. सो इसमें काफी कुछ लिखने का स्कोप रहता है, एंड स्पेशली इफ यू आर द डिस्क्रिप्टिव टाइप यू विल बी एबल टू डू वेल इन इट. तो इसमें दूसरा चीज है डिस्क्रिप्टिव में, यू नीड टू थिंक अबाउट लाइक व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर हियरिंग, व्हाट यू आर स्मेलिंग, व्हाट यू आर फीलिंग, what you're feeling, the touch ka feeling, and what you're tasting. So you need to look at it from the point of view of the 5 senses and be able to give a description. How are the birds and animals affected? So you need to know, okay, summer mein birds and animals kis tarah se react karte hain, what did you see and hear as you walked outside. So you should have an imaginative and also have a good memory of, you know, what all can be the situation in an extremely on an extremely hot day. ये मुश्किल हो सकता है, especially if you are not used to thinking and also being able to recreate a particular mood. So this can also be tricky. मेरे इसमें the personal account is an easy one to attempt and also an original short story, especially if you are an imaginative type. I would personally go for these types, but it depends again, as I said, on how what kind of an individual you are. Now at the end of it, I just want to give you 5 quick tips. टिप्स की बारिश लगा दूंगा. ओके, पहला, कीप योर इंट्रोडक्शन ब्रीफ. इंट्रोडक्शन जो आप करते हैं, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है. इट शुड बी ब्रीफ एंड यू शुड गेट टू द सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल. ओके, लंबा प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, कम टू द टॉपिक क्विकली. नंबर 2, हैव पैराग्राफ्स. बड़े बड़े बल्कि पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है. कीप योर पैराग्राफ्स, एक लाइन का पैराग्राफ नहीं, 2 लाइन का नहीं, एटलीस्ट 3 लाइन का पैराग्राफ, सो दैट इट्स इजियर फॉर द एग्जामिनर टू रीड. बट इट शुड बी शॉर्ट क्रिस्प पैराग्राफ्स एंड ऑल्सो बी मेकिंग ए पॉइंट. ओके, ऑल्सो लीव अ मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड सो दैट इट्स मोर क्लियर. ये नहीं कि दिस एंड ऑफ द पेपर टू दिस एंड ऑफ द पेपर तक लिखने की जरूरत नहीं है. इफ यू आस्क फॉर एक्स्ट्रा शीट्स, आपको दे दिए जाएंगे. सो यू कीप योर थिंग्स इजिली लेजिबल, ओके, इन द सेंटर ऑफ द पेज. तीसरा, नो हिंग्लिश. जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, इस तरह से तो कभी मत लिखना. इट शुड बी क्लियर इंग्लिश एंड नेवर राइट एंड यूज एनी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप लैंग्वेज. ये तो कभी मत करना, नेवर डू दैट, बिकॉज अगर आप करेंगे तो आपको इंस्टा 0 मिलेगा, समझे. सो नो व्हाट्सएप लैंग्वेज, नो इंग्लिश, नो इंस्टाग्राम लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन It is also good to give a suitable title. हालांकि पूछा नहीं जाता है इसमें, 350 words का लिखने को आपको बोला जाता है, 300 से 350 words का, लेकिन एक suitable title भी आप देंगे तो it will also impress the examiner that okay, the student has also kind of rounded it up pretty well. Okay, it's not mandatory, but it is good. It's advisable to give a good title also. So you could pay attention to that. My last point and something which I really stress, spelling mistakes and grammatical mistakes. Many examiners are a little lenient. पहले 2 या 3 spelling mistakes, grammatical mistakes को वो ignore कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद tension में, पहला paper था, जल्दी में कुछ लिख दिया होगा, एक U miss हो गया, एक I miss हो गया, इधर उधर kind of thing. But more than 2 or 3 पे, आपके हर 2 and 3 पे 1/4 या half mark कटेगा.
grammatical mistake or spelling mistake. So please do not make spelling mistakes. Your I's and E's and your W's etc. should be very, very clear. Your N should not look like an H. You get my point. Your I should not look like an E. Okay. So in sab cheezon pe aap dhyan rakhiye. Grammatical errors mat kijiye. Isiliye maine bola ki aap agle 2 mahine tak har subah, dopahar, sham jab bhi aapko samay mile 15 minute, 20 minute akhbar, angrezi akhbar zarur padh le. English newspaper, please read the English newspaper. It will help you in a very subconscious way to improve your English, especially for those students for who are not very strong in spoken English. So make that effort, it will really help you. Okay, and again, as I said, make sure that you do not make any spelling mistakes or any grammatical mistakes. Agar aapko likhte vakat kisi spelling par doubt ho, so my suggestion to use that, not to use that word, koi easy dusra shabd use kar lijiye, usi ka jo synonym ho, jiska arth wahi ho, more or less, usko use kijiye, but do not make a spelling mistake. Okay, so these are my tips as far as the composition is concerned. All the best to you. As I said, this is the most important part of the English language paper because it can get you 20 marks. It can also completely ruin your paper if you do not get it right. So please pay attention to it, and I hope and wish and pray that all of you actually get a 20 on 20. Thank you very much. All the best to you.